नेक्स्ट पेज आता है, वहां पे हम अपने एड ग्रुप को सेट करेंगे। एड ग्रुप, जैसे आप अपने एक कैंपेन के अंदर बहुत सारे एड ग्रुप बना सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम टेस्टिंग कर सकते हैं किस एड ग्रुप में मुझे कितना रिस्पांस आ रहा है, किस एड ग्रुप में मुझे कितना रिस्पांस आ रहा है। इस तरीके से हम मल्टीपल एड ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये शो कर रहा है मुझे एड ग्रुप वन, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑनलाइन ऑफर। उसके बाद ये शो करता है मुझे, नेक्स्ट सेक्शन शो करता है इंटर द वेबसाइट टू फाइंड रेलेवेंट कीवर्ड्स। जिस वेबसाइट के आपको कीवर्ड्स निकालना है उस वेबसाइट को आप यहाँ पर लिखेंगे, फाइंड कीवर्ड्स पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ये उसके कीवर्ड्स को निकाल देगा। बाय डिफॉल्ट हम इसको रखते हैं, बाद में हम इसमें कीवर्ड्स खुद से भी ऐड कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। इसके द्वारा कंफर्म पेमेंट इन्फो, आपको अपना यहाँ पे अपना बैंकिंग अकाउंट जो भी आपका पेमेंट इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पर एंटर करेंगे ताकि आपकी ऐड यहाँ पर सबमिट हो जाए, और ऐड होने के बाद क्रिएट ऐड पे हम जाएंगे और हमारा ऐड स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे, फिल करने के बाद आपका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा यहाँ पे। और जब आप अपने पेमेंट इन्फॉर्मेशन जब उसको फिल कर देते हैं, उसके बाद ये पूछता है क्रिएट ऐड का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फाइनल यूआरएल। तो आपको यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं पूरा का पूरा प्रीव्यू आपको शो कर रहा है मोबाइल के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर, और डिस्प्ले में कैसा आएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे यूआरएल लिखता हूँ https, राइट साइड में आपको यहाँ पे एग्जाम्पल शो कर रहे हैं, हेडलाइन लर्न ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, आप कुछ भी अपने कैंपेन के अंदर अपने हेडलाइन लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं हेडलाइन 3 अगर आप लिखना, आप लिख सकते हैं वर्ड इन 9 कंट्रीज इन लास्ट 10। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इस तरीके से हमने हेडलाइन यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे शो कर रहा है आपको हेडलाइन पूरा का पूरा टेक्स्ट शो कर रहा है। साथ में आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अगर आपको कुछ और भी लिखना है, तो लर्न मोर देन 80 मॉड्यूल्स बाय चंदन कुमार ब्रशअप योर स्किल्स इन डिजिटल मार्केटिंग। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन 1, 2 सारे आप यहाँ पे लिखिए, और लिखने के बाद आप यहाँ पे डन एंड क्रिएट नेक्स्ट साइड भी कर सकते हैं, नहीं तो 7 कंटिन्यू कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा एक ऐड यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया, यहाँ पे हमने एक्चुअली एक लिमिट एक्सीड कर दी है। मैं यहाँ पे स्पेलिंग कम कर देता हूँ, फ्रॉम का FRM कर देता हूँ, 7 कंटिन्यू कर दिया, तो ये मेरा एक ऐड क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर 26 अप्रैल आज का डेट है, 9 डेट है, इंडिया में कैंपेन चल रहा है मेरा, पर डे 500 का 500 का ट्रैफिक है, वेबसाइट ट्रैफिक का मैंने कैंपेन चलाया है, मैंने यहाँ पे कैंपेन मेरा रेडी हो गया, सेट हो गया। जैसे ही मेरा यहाँ पे कार्ड ऐड एक्टिवेट हो जाएगा, मेरा ये कैंपेन चलने लगेगा और ये मेरा ऐड यहाँ पे शो करेगा। अब इसके अंदर अगर आपको कीवर्ड्स वगैरह अगर ऐड करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे ये मेरा कैंपेन के अंदर आप देख सकते हैं लेफ्ट के अंदर ये मेरा ऐड ग्रुप है, ऐड ग्रुप जो मेरा ऑनलाइन क्लास था ये शो कर रहा है। इसके अंदर जब मैं क्लिक करूंगा तो मेरे ये सारे एड्स सारे कीवर्ड्स मुझे यहाँ पे शो करेंगे, जिस कीवर्ड्स को मैंने यहाँ पे सर्च किया था। आप चाहें यहाँ से तो आप चाहें इसके अंदर आप कोई भी और कीवर्ड्स आप चाहें तो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे हम अपने स्पाई का कीवर्ड, स्पाई वेबसाइट से कंप्यूटर से हम कीवर्ड्स को निकाल सकते हैं, आप निकाल कर यहाँ पे अपने कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा कीवर्ड्स ऑलरेडी ऐड हो रहा है, लेफ्ट में देख सकते हैं मेरा ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से मेरा कीवर्ड सारे यहाँ पर ऐड हो सकते हैं। आपको यहाँ पे अगर किसी का साइट का नाम पता वेबसाइट का, आप यहाँ पर एंटर करेंगे उसके ऑटोमेटिकली ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पे शो कर देगा। तो जिस कीवर्ड्स आपको टारगेट करना है आपको यहाँ पे क्लिक करना है और अपना सेव करके यहाँ पर ऐड करना है, वो सारे कीवर्ड्स पे आपकी ऐड अपने आप चलने लगेगी थोड़ी देर बाद। और इसके अंदर आप देख सकते हैं स्टेटस शो कर रहा है अननोन, इसका मतलब इस कीवर्ड्स पे पर्टिकुलरली अभी ट्रैफिक नहीं है। जैसे ही यहाँ पे शो करते हैं इसके नीचे रीजन लिखा हुआ है, देयर aren't इनफ impression और क्लिक्स टू accurately डिटरमाइन दिस कीवर्ड्स क्वालिटी, इसलिए इसके अंदर इस कीवर्ड्स के ऊपर ऐड नहीं चलाएगा क्योंकि इसके अंदर ऑडियंस बहुत कम है। बट आपने अगर कीवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर दिया तो यू कैन जस्ट वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज और देखिए कोई क्लिक्स होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर क्लिक्स नहीं होता तो आफ्टर 1 वीक आप यहाँ से कुछ कीवर्ड्स को रिमूव कर दीजिए, जिससे आपकी
कीवर्ड्स कम हो जाएंगे और एग्जैक्टली उन कीवर्ड्स पर टारगेट होंगे जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है।